हाँ जी बेटा, चलिए क्लास को करते हैं शुरू। यस सर, यस स्क्रीन दिख सर, रही है बेटा सभी बच्चों को? यस सर, यस ठीक है जी बेटा। लोग देखिए, हमारा एडजॉइंट का सेकंड लेक्चर है। हमने फर्स्ट लेक्चर में काफी पढ़ी थी, चार प्रॉपर्टीज हमने पढ़े थे। चारों प्रॉपर्टीज एक एक बार रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि जेई के सम्स भी आज हम करने वाले। और एक बात और बेटा लोग, कि आप लोगों का टास्क ऑलरेडी मैंने दो डिटरमिनेंट के असाइनमेंट दे दिए, और दोनों की दोनों इनहैंसमेंट असाइनमेंट थे। मतलब इनहैंसमेंट असाइनमेंट का मतलब वो होता है कि आपका जब टॉपिक खत्म हो जाता है और आपको वो टॉपिक ठीक है, आपने कर लिया है कुछ कुछ सवाल उसमें, तो एक इनहैंसमेंट असाइनमेंट लास्ट में दे दिया जाता है, ताकि आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर पाए। तो मैंने दो असाइनमेंट डिटरमिनेंट के इनहैंसमेंट वाले डाल दिए। एक मैट्रिक्स के असाइनमेंट दिए थे, जो कि बहुत ज्यादा बेसिक था। मैं अगर बोलूंगा बेटा कि इतना बेसिक था कि एनसीईआरटी लेवल का था, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन लेवल एनसीईआरटी मान के चलता हूँ। तो जिन बच्चों ने वो असाइनमेंट मैट्रिक्स का नहीं भी किया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो नेक्स्ट वीक करोगे। तो मैं बस उन बच्चों के लिए दिया था जिनको अलजेब्रा मैट्रिसेस में पंगा आता है। ग्राफ का असाइनमेंट दिया हूँ, ग्राफ का असाइनमेंट काफी अच्छा है, काफी मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है। एक बार करने के बाद आपको फील आएगी कि हाँ सर, मैथ्स आता है अपने को भी। इतना बढ़िया सा उसमें मतलब क्वेश्चंस दिए गए हैं, इतने बढ़िया से सॉल्यूशन है उसमें। आप देखोगे तो बोलोगे सर क्या ब्यूटी है इसमें, हर सवाल में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। जो बच्चे असाइनमेंट कर रहे होंगे ग्राफ का, वो बहुत एंजॉय भी कर रहे होंगे उनको, और उनको मालूम होगा सर किस बात की बात कर रहे हैं। आज का टास्क बेटा यही रहेगा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पीवाईक्यूज के बुक्स ग्रुप में डाल दिए हैं। अगर जिन बच्चों को नहीं मिला है, एक बार ग्रुप में मेरे को रिमाइंड करना, सर पीवाईक्यू दोबारा डाल दो, वो 45 ईयर्स वाला जो बुक है अरिहंत का, मैं आज वापस ले डाल दूंगा। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट मेरा यही रहेगा कि जितने भी सवाल एडजॉइंट पे आज तक हिस्ट्री में आए हैं, वो आज कर डालोगे आप। मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, एडवांस हो, मेन्स हो, एनडीए हो, सीयूईटी हो, भैया जो हो उठाओ करो खत्म सवाल। क्योंकि मैं गारंटी देता हूं कि आज के लेक्चर के बाद आपको कोई भी एडजॉइंट का एक ऐसा फंडा नहीं बचेगा जो आप नहीं जानते रहोगे। थोड़ा सोचोगे आपको पता चलेगा सर ये तो, हाँ ये तो, ये वाला प्रॉपर्टीज है। चलिए शुरू करते हैं वापस से प्रॉपर्टी नंबर वन से, कि सर हमारा प्रॉपर्टी नंबर वन क्या बोलता है। प्रॉपर्टी नंबर वन बोलता है बेटा कि एक मैट्रिक्स इंटू इसका एडजॉइंट, एक मैट्रिक्स इनटू इसका एडजॉइंट। मैं बार बार इसका एडजॉइंट बोल रहा हूं, क्योंकि बेटा एडजॉइंट के साथ जो भी दिखता है हम उसी को दिखाना पसंद करते हैं। सो ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बोलो, या एडजॉइंट ऑफ ए बोलो, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए बोलो, दोनों का वैल्यू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई। और आपको बोला था कि बेटा ये प्रॉपर्टीज पे सवाल डायरेक्टली नहीं आते हैं, लेकिन ये हर प्रॉपर्टी का माई बाप है, क्योंकि सारे के सारे प्रॉपर्टीज यही से प्रूफ होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी था बेटा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस वन, जिसके बेसिस पे हमने एक सवाल भी किया था जेई का 2013 का। एक बहुत क्रुशियल सा हम लोगों ने रिजल्ट निकाला था बेटा लोग, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट के अंदर कोई कॉन्स्टेंट दिख जाए और वो कॉन्स्टेंट को आप बाहर निकालना चाहते हो, तो बस ये मत बोलो कि बेटा के तुम बाहर आओ, के आएगा बाहर लेकिन मैट्रिक्स के पावर को लेकर आएगा। बात समझते हो बेटा लोग मैंने क्या बोला? एक यस डायलॉग भी सर, बोला था, अरे तीन क्या बोला था, एक गाना से सुनाया दो था। भी मैं ले जाऊंगा, देखती रह जाएंगी सखियां तेरी। हाँ वो याद रखना, काम आता यस है। सर, अच्छा बेटा एक मुझे एक बात बताओ, मान लो कि अगर ये सवाल ऐसा होता, डिटरमिनेंट ऑफ के इंटू ए, मैं ए के ऑर्डर को मान लेता हूं, चलो ना मैं वैल्यू को दे देता हूं आप लोगों के लिए। मान लो बेटा यहाँ पे है 5, ये ए, डिटरमिनेंट का ऑर्डर है 5 और इसके डिटरमिनेंट में मैंने लगा दिया 6, पावर में होल पावर 6 है। ये जो 5 है ये मैट्रिक्स ऑर्डर बता रहा है कि 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कौन बताएगा कि 5 बाहर मुझे निकालना है, तो कितने पावर के साथ बाहर निकालूंगा? सबसे पहला चीज बेटा लोग क्या, कि 5 बाहर आएगा तो मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर होगा उसको बाहर लेके आएगा। वो भी बाहर आएगा सर, फाइव के पहला पावर 5 × 6। कि सर 5 तो 5 के पावर साथ में आता ही, लेकिन उसको आपने एक और पावर ऑलरेडी दिया है, इसका भी तो कुछ पावर है। इसका कुछ पावर कितना है बेटा लोग? सिक्स तो ये तो खुद इसका ही पावर है,
वो नंबर मैट्रिक्स का ऑर्डर तो लेके आया है, लेकिन उसके पास जो पावर है उसका थोड़ी है कि बेटा वो बोल दोगे तुम्हारे पास थोड़ी था, अब उसके पास जो है वो तो रहेगा ही ना। अब मैं बात करूं कि बेटा एक चोर है, किसी के घर में चोरी करने गया, उसके घर के सामान को चोरी करके लाया, तो वो अपने घर वाला उसको दूसरा चोर उठा के लेके गया, भाई थोड़ी सा थोड़ी है, उसके घर में जो सामान है उसका तो पड़ा ही रहेगा, अब दूसरे का सामान वो लेकर आया है, सेम किसका पावर जो है वो तो रहेगा ही, अब इसने एक्स्ट्रा एक पावर लेके आया ऑर्डर वाला, तो दोनों पावर, दो दो पावर हो गए बेटा इनके, और ये कितना हो गया 5 का पावर 30 हो गया। क्यों सिखाया पता चल जाएगा आज के लेक्चर के लास्ट तक, सेम चीज आने वाला है घूम के। थर्ड प्रॉपर्टी जॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस टू इनटू ए। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इसी प्रॉपर्टी का हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं, आंसर आता है डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलिए प्रूफ करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। आज की कहानी यहां से शुरू होने वाली है, तो प्रूफ के बारे में बात करते हैं सर। सबसे पहला चीज जो बेटा आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि निंजा टेक्निक है हमारा ये सवाल को करने के लिए, एडजॉइंट के हर प्रॉपर्टी को सॉल्व करने के लिए, कि एडजॉइंट के साथ जो बैठा है सिर्फ उसको सोचकर चला करो, और बेसिक में दिमाग में ये रूल लेकर चला करो कि एक मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट होता है वो मैट्रिक्स इनटू आई। नाउ ए के जगह पे बेटा कुछ भी रख दो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, आप बी रख दो सर, आप सी रख दो सर, डी रख दो सर, मेरे को बस एक ही आइडिया मालूम है कि एक मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट देता है डिटरमिनेंट ऑफ उस वो वाला मैट्रिक्स इनटू आई। अब हमने देखा कि सर ए ट्रांसपोज एडजॉइंट के साथ बैठा है, तो मैं क्या करूंगा बेटा लोग, एक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज लूंगा, क्योंकि ए ट्रांसपोज भी तो मैट्रिक्स ही होता है, इनटू उसका एडजॉइंट क्या होता है बेटा लोग, डिटरमिनेंट ऑफ वो मैट्रिक्स इनटू आई। क्या ये लाइन सभी बच्चों को समझ में आया? अब एक बात सुनिए, आप ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालिए या बिना ट्रांसपोज निकाले डिटरमिनेंट निकालिए, दोनों का वैल्यू सेम होता है। रीजन क्या है, डिटरमिनेंट का खुद ही प्रॉपर्टी है सर कि इफ वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेंस अनचेंज। तो आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालकर डिटरमिनेंट निकालो या बिना ट्रांसपोज निकाले डिटरमिनेंट निकालो, भैया सवाल आंसर तो दोनों का सेम ही आने वाला है। सो मैं यहां से लिख सकता हूं कि डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट या ए का डिटरमिनेंट दोनों सेम होते और होते भी हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट तो पहले से अलाउ करके बैठा है कि भैया आप रो कॉलम उल्टा कर दो तो भी मैं वैल्यू सेम ही देने वाला हूं। तो मैं इसको लिख सकता हूं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर। yes, तो मेरा एलएचएस बेटा ये आया, मेरा एलएचएस ये आया। नाउ कमिंग टू आरएचएस, आरएचएस बहुत ध्यान से सुनना बेटा, जब भी मैं सवाल करता हूं तो मेरे अप्रोच पे बहुत ध्यान दिया करो, क्योंकि मैं एक वैसा बच्चा था, ईमानदारी से बता रहा हूं आपको, मैं एक वैसा बच्चा हूं पढ़ाई करने में जिसको बढ़िया से कोई ना समझाए तो नहीं समझूंगा मैं, और मेरी आदत है चीजों को बहुत नीचे तक सोचने की, मैं ना बीच में कहीं से उठ के नहीं सोचता हूं। अगर मेरे को आप मीनिंग भी रटाओगे ना तो मैं पहले ए से रटना शुरू करूंगा, मैं बी से नहीं रटूंगा, मैं उस टाइप का बच्चा हूं, और मैं ये मान के चलता हूं कि सारे बच्चे वैसे ही होते हैं, सोचने का शक्ति नहीं मिलता है। ठीक है ना भैया, हम भी आप ही के जैसा है, बिल्कुल वैसा सोचो जैसे मैं सोचता हूं, मैथ आ ही जाएगा आपको। तरीका क्या था बेटा कि एडजॉइंट के साथ जो बैठा है, मैं सेम ये वाला तरीका लगाऊंगा सर, एडजॉइंट के साथ जो बैठा है मैट्रिक्स इनटू उसका एडजॉइंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई। अब इसका फायदा हर जगह पे आपको दिखेगा, यहां पे एडजॉइंट के साथ कौन बैठा है बेटा लोग, देखो ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एडजॉइंट के साथ मैं बैठा हूं ए, और ये बोल रहा है कि फिर मेरा ट्रांसपोज निकालो, राइट हैंड साइड बोल रहा है, तो चलिए निकाल लेते हैं सर, कौन सी बड़ी बात है। मैं शुरू करूंगा वापस से, क्या कि एक मैट्रिक्स इनटू इसका एडजॉइंट होता है उस मैट्रिक्स इनटू आई, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इनटू आई। अब सामने वाला पार्टी बोल रहा है कि देखो भैया डिटरमिनेंट निकालो तो ट्रांसपोज लो, तो मैंने ले लिया दोनों साइड ट्रांसपोज, कौन सी बड़ी बात है सर। अब ट्रांसपोज का एक फंडा होता है, ट्रांसपोज बोलता है कि ए बी सी का ट्रांसपोज निकालोगे
ये होगा सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज उल्टा अप्लाई होता है, याद रखें इस बात को कि ट्रांसपोज में हम लोग रिवर्सल लॉ अप्लाई करते हैं, रिवर्सल लॉ इज फॉलोड। जो सबसे पहले, ऐसा समझ के रखो ना कि ये सारे लोग लाइन में खड़े हैं और यहां पे कुछ मिल रहा है, इन ट्रांसपोज मिल रहा है, तो जो सबसे पहले आएगा ट्रांसपोज उसको मिलेगा, फिर दूसरे वाले को, फिर तीसरे वाले को, फिर इधर एन तक होते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, मैं बस उल्टा करके लिख दूंगा, खत्म सवाल। तो बस वही बता रहे हो, सबसे पहले सी को दिया, फिर बी को दिया, फिर ए को दिया। अब ए बी सी डी ई एफ रहते तो सबसे पहले एफ को मिलता, फिर ई को मिलता, फिर डी को मिलता, फिर सी को मिलता, फिर बी को मिलता, फिर ए को मिलता। मैं वैसे लाइन से लिख देता, रिवर्सल लॉ अप्लाई होता है, सिंपल सा चीज है सर। अब यहां पे बेटा क्या होने वाला है, यहां पे होने वाला है एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। नाउ मिस्टेक नंबर वन, जो बच्चे करते हैं क्या करते हैं, वो सिर्फ ये लिखते हैं एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, ऐसा लिख देंगे। ना जी, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज लिख रहे हो ना बेटा, तो आप ये लिख रहे हो कि ये लिख रहे हो, आप स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हो। जैसे ये भी है एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ये है एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, दोनों में फर्क है। तो आप अगर सिर्फ ऐसा लिखते हो तो दुनिया वाले कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज लिखे हो कि एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज लिखे हो, मुझे बताओ। तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि दो मैट्राइसिस थे, ए था और एक एडजॉइंट ऑफ ए था। सबसे पहले किसको मिलेगा बेटा लोग, एडजॉइंट ए को ट्रांसपोज मिलेगा। मतलब सर पूरे को ट्रांसपोज दे रहे हो ना आप, इनटू में क्या हो रहा है, इनटू में हो रहा है बेटा लोग ए ट्रांसपोज, उल्टा अप्लाई होगा। फिर हम डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज थोड़ी निकालते हैं, डिटरमिनेंट तो एक नंबर होता है, तीन चार पांच माइनस कुछ ऐसा ही वैल्यू आता है, उसका ट्रांसपोज कौन निकालता है भैया, उसका ट्रांसपोज थोड़ी निकलता है। ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालोगे तो भी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा, तो ये आई ही हो गया। अब आगे देखिए, बहुत अब मजेदार चीज है, ये बोल रहा है कि मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई इसके इक्वल है, ऊपर वाला पार्टी बोल रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई इसके इक्वल है। तो अगर दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है तो गारंटी बात है कि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होने चाहिए। तो फ्रॉम वन एंड टू, ध्यान से समझिए, मजा आने वाला है। फ्रॉम वन एंड टू हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है सर ए ट्रांसपोज इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, एडजॉइंट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज इनटू में ए ट्रांसपोज, ये मिल रहा है सर। हाँ जी ठीक है। अब मेरा टारगेट है कि सवाल मेरे से पूरा थोड़ी मांग रहे हैं, सवाल तो मुझे सिर्फ इतना चाह रहा है कि आप मुझे इतना दीजिए, आप सवाल पढ़ भी लो, क्वेश्चन का डिमांड है कि मुझे इतना दो। और आपने क्या किया बेटा, ये दो दो टर्म एक्स्ट्रा लेकर आ गए, अब इसको हटाना पड़ेगा, कैसे हटाया जाए। तो महान बच्चा बोलता है कि सर देखो मैथ्स का एक सिंपल सा रूल है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में किसी को हटाना है तो आप उसको राइट हैंड साइड में कर दीजिए। तो आप एक काम करो ना सर, ए ट्रांसपोज को उठा करके इधर भेज दो, डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो काट दो, खत्म। मार दिया सर जी, टॉप रैंक वन, बहुत मार खाओगे बेटा, मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं करते हम। तो ए ट्रांसपोज को उधर लाना सबसे बड़ी गलती है। तो क्या किया जाए सर, मैट्रिक्स में कैसी चीजों को हटाते, सीखिए मैट्रिक्स में कैसी चीजों को हटाते, ध्यान से समझिएगा। मान लो बेटा आपको एक मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स को हटाना है, लेट्स से कि बी है और आप बी को हटाना चाहते हैं, कुछ करना नहीं है, आप उसके बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब सवाल यह है कि बी इनवर्स को आप पहले मल्टीप्लाई करते हो कि बी इनवर्स को बाद में मल्टीप्लाई करते हो, दोनों अलग अलग चीजें, और ये दोनों सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आप पहले लेना चाहते हैं कि बाद में लेना चाहते हैं। दोनों का आंसर भले ही सेम आता है, दोनों का आंसर बेटा आई आएगा, ये बिल्कुल नंबर के जैसा होते हैं कि आप 4 और 4 का इनवर्स ले लीजिए, ये 1 ही देगा, 4 into 1 by 4 कितना होता है बेटा लोग, 1 होता है। तो बिल्कुल नंबर जैसा ना, होता नहीं है नंबर, लेकिन नंबर वाला अलजेब्रा के जैसा ही फॉलो करता है ये, कि एक चीज और उसका इनवर्स हमेशा 1 देगा, तो मैट्रिक्स और उसका इनवर्स हमेशा आई देगा।
लेकिन वर्स मल्टीप्लाई करते टाइम हमको केयरफुल होना पड़ता है कि हम प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब मैं दोनों सिचुएशन लेकर के आपको दिखा रहा हूं। मान लो कि कोई बच्चा आया और ए ट्रांसपोज, देखो मुझे क्या हटाना है, ए ट्रांसपोज हटाना है, तो मुझे ए ट्रांसपोज के इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए मैं प्री मल्टीप्लाई करके आपको दिखा रहा हूं। मान लो बेटू आपने प्री मल्टीप्लाई किया, देखना क्या होने वाला है। अभी ए ट्रांसपोज का इनवर्स, प्री मतलब पहले मल्टीप्लाई करो, प्री मतलब पहले लिखो ए ट्रांसपोज इनवर्स, बाद में जो मर्जी लिखते रहो। ए ट्रांसपोज ये चीज, मैं इनको प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए ट्रांसपोज इनवर्स को। आई होप कि प्री और पोस्ट का मतलब तो समझते हो ना। हाँ जी, यस सर, वेरी गुड। अब ये मत बोलना मेरे को मैसेज कर रहे हो कि सर प्री और पोस्ट का मतलब क्या होता है, फिर मैं भी मैसेज पढ़ के दो मिनट सदमे में, यार बच्चा इतना टफ सवाल पूछा, मेरे को तो आएगा नहीं, लगता है मेरे को गूगल करना पड़ेगा, है ना। एक बच्चा पूछा था दो दिन पहले, सच बता रहा हूँ, आपके बैच का था नहीं, बोल रहे सर प्री और पोस्ट का मतलब क्या होता है। मैं बोला फिर से वही कांड कर दिए, रामायण बोल दिया, बोल रहे सीताराम की बहन थी। आगे देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांस, दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई करना है बेटा लो, ए ट्रांसपोज इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज इनटू में ए ट्रांसपोज। ये हो गया, ये तो आई बन रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, ये तो आई बन रहा है, बन तो रहा है, मैं कहां बोल रहा हूं नहीं बन रहा है, ये भी आई बन गया। इधर क्या करोगे आप, ऐसा थोड़ी है कि आप ए ट्रांसपोज को उठा करके यहां पर रख दोगे, गलती है, क्योंकि मैट्रिक्स डज नॉट कम्यूट। आप ऐसा नहीं लिख सकते बेटा कि आपके पास तीन मैट्रिक्स हैं तो आप तीनों में किसी को भी कहीं भी लिख दो, ये गलत है। आप मैट्रिक्स के स्थान को चेंज नहीं कर सकते, कम्यूट ही नहीं करते हो। तो सर आपने तो लेफ्ट हैंड साइड को खुश कर दिया, राइट हैंड साइड वाले में दो दो टर्म्स आ गए, मतलब सर ए ट्रांसपोज में हटा नहीं पा रहा हूं, अब क्या किया जाए ये बताओ। और हटाने का एक ही तरीका ही होता है मैट्रिक्स में, कि उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करना होता है। अब डिपेंड करता है कि सर प्री मल्टीप्लाई करे तो पोस्ट मल्टीप्लाई। अब बच्चा सोच रहे कि सर प्री मल्टीप्लाई में तो हटा नहीं पाया, चलो पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिम लाइक सर एक साल में तो जेई निकाल नहीं पाया, चलो ड्रॉप ले लेते हैं, तो क्या गारंटी कि ड्रॉप में भी निकल ही जाएगा। देखो गारंटी है क्या कि पोस्ट मल्टीप्लाई करने से निकल आपका हट जाएगा ट्रांसपोज, देखते हैं। जो बच्चा समझदार होगा इमेजिन कर लिया रहेगा कि कौन सा पार्टी गायब होने वाला है। पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा यहां पे आएगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स और यहां पे आएगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ये पार्टी खुश और ये वाला वापस से पंगा कर दिया, इसको कैसे हटाओगे अब, मतलब ड्रॉप लेने के बाद भी सर जेई नहीं निकला, अब क्या किया जाए। कुछ नहीं सर, पढ़ाई छोड़ देंगे, नहीं तो पापा को बोलेंगे पापा बिजनेस दे दो, अपन भी खोलेंगे सर, चाय वाला पान वाला कुछ तो बन जाएगा सर। नहीं, प्रॉपर्टी नंबर वन में आपको सिखाया था, कहां गया ये रहा, कि बेटा टोटली ये स्मार्टली गेम होता है कि आप इसको लेके चल रहे हो कि इसको लेके चल रहे हो, बहुत समझदारी का काम होता है, बहुत समझदारी का काम होता है ये, कि आप इसको लेके चल रहे हो कि इसको लेके चल रहे हो, और यही आपको देखना होता है। आप वहां पर किसको लेके गए हो, ये वाला, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये वाला, कहां गया ये, यही है, ये लेके गया। अब देखो जादू, इसका मतलब सर हम गलती नहीं कर रहे थे, हम सही कर रहे थे, बस हम उस चीज को कर नहीं पाए। आप 20 घंटा पढ़ाई की, आपसे जेई नहीं निकला, तो ऐसा थोड़ी बेटा कि आप पढ़ नहीं रहे थे, पढ़ रहे थे ना, रिजल्ट नहीं आया तो दुनिया वाले तो यही बोलेंगे ना कि आप पढ़ नहीं रहे थे, तो आप तो सही किए, तो कोई भी स्टेप आपने गलत फंडा अप्लाई नहीं किया है, लेकिन लास्ट में आपने प्रूफ नहीं कर पाया, मतलब सर आपका अप्रोच गलत था। अप्रोच कहां पे गलती है, अब देखो आपको समझ में आ जाएगा, और मेरा मकसद भी यही था, और मैं हर बच्चों को ये गलती करके दिखाता हूं जानबूझ करके, हर बच्चे को गलती करके दिखाता हूं कि सर ये आपका अप्रोच गलत रहा। हर मैच में आपको कटा पीटा मिल जाएगा कि मैं ये वाला लाइन काट के दिखाया उनको,
अब करते हैं अगला तरीका कि सर मैं अब सोचने वाला हूं कि एडजॉइंट ऑफ ए, ध्यान से समझिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में ए, ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई, क्योंकि मुझे ट्रांसपोज लेना था तो ले लो उसका ट्रांसपोज, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली क्या मिल रहा है बेटा लोग, उल्टा ट्रांसपोज देना शुरू करो। सबसे पहले ए ट्रांसपोज मिलेगा, फिर एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज मिलेगा, होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज, होता नहीं है तो सर डिटरमिनेंट लिखो, आइडेंटिटी का ट्रांसपोज तो आई होता है। फिर से मैं इक्वेशन वन और थ्री को कंपेयर करने जा रहा हूं, वन और थ्री को कंपेयर करने जा रहा हूं। तो मेरा वन क्या था, वन था ए ट्रांसपोज इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, सिर्फ ए का ट्रांसपोज। थ्री वाला है मेरा ए ट्रांसपोज इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, लिख दे रहा हूं फ्रॉम वन एंड थ्री। ये अब आप प्री मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। सो चलिए करते हैं बेटा प्री मल्टीप्लाई। सो जैसे ही मैं प्री मल्टीप्लाई करूंगा, प्री मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज का इनवर्स, तो ये चीजें तो ऐसे ही आएंगी, ये चीजें तो ऐसे ही आएंगी, बस एक चीज और आ जाने वाला है। क्या सर, कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स प्री हो जाएगा, मतलब पहले लिख दिया जाएगा दोनों साइड ए ट्रांसपोज का इनवर्स। अब आप देखोगे बेटा कि मैं अगर ये फंडा से चल रहा हूं कि सर ए इंटू ए जॉइंट ऑफ ए नहीं सोचा मैं, अब मैं जॉइंट ऑफ ए इंटू ए सोचा और मेरा आ गया, ये हो गया आई, ये हो गया आई, आई इंटू एनीथिंग एनीथिंग होता है, आई इंटू एनीथिंग एनीथिंग होता है, तो फाइनली मेरा निकल क्या आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है सर, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज जो होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज के बराबर होता है, एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज के बराबर होता है। बेटा क्या ये प्रॉपर्टी सब भी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? मेरी आवाज आ रही बेटा लोग? यस सर। अरे यस सर, सर एक बार रिपीट करता है, बीच में छोड़ देता है ना, वाईफाई का भरोसा नहीं है इधर का, तो बोल दिया करो। बेटा ये प्रॉपर्टी सबको समझ में आया सर? एक बार से रिपीट कर दो, लास्ट वाला, लास्ट वाला क्योंकि लास्ट में सर मैं प्री मल्टीप्लाई करके भी नहीं हटा पा रहा हूँ, एक साइड हटा पा रहा हूँ, एक साइड हट नहीं रहा है, ये नहीं हट पा रहा था, ये ए ट्रांसपोज का इनवर्स इधर है, ए ट्रांसपोज सर कहीं और है, ये दोनों साथ होते तब मैं बोलता ना आई है, बीच में कोई आ गया सर, अब मैं कम्यूट करा नहीं सकता हूं, तो सर ये लेफ्ट साइड वाला खुश हो गया, राइट साइड वाला रो रहा है, भैया हमको कैसे हटाओगे आप, मैं पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो ये वाला पार्टी खुश था सर, ये वाला रो रहा था, तो मेरा अप्रोच ही गलत था सर। तो मैंने ये फंडा अप्लाई किया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, क्योंकि ए इंटू एडजॉइंट ए लिखो या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए लिखो, बात दोनों का बराबर है, लेकिन अप्लाई कब करना है ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपने अप्लाई सही नहीं किया तो लास्ट में जाते जाते आप रुक जाओगे, बोलोगे सर सही करके भी हमने गलती किया, तो रोना मत कि आपने गलती किया, ना गलती नहीं किया बेटा, आपने सही किया है, बस रिजल्ट नहीं मिला, तो ठीक है चेंज कर दो डायरेक्शन, यहां से शुरू हो जाओ। यहां से शुरू हुआ तो मैंने देखा कि सर ये रिजल्ट मेरा आ रहा था, मैंने प्री मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है बेटा, मकसद क्या है मेरा, मकसद है ए ट्रांसपोज का इनवर्स और ए ट्रांसपोज दोनों साथ साथ दिख जाए, देखिए दोनों साथ साथ दिख गए, तो दोनों साथ साथ दिखने से फायदा क्या होता है, ये आई बन जाते हैं, और आई का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स के साथ कुछ नहीं बिगाड़ पाता, वो सेम मैट्रिक्स दे देता है, आई इंटू ए करो, आई इंटू बी करो, आई इंटू सी करो, सारे वही देंगे, ए देगा, बी देगा, सी देगा, सब। तो बेटा ये फाइनली मेरा मिल गया और यही मुझे प्रूफ करना था। क्लियर है बेटा लोग? चलिए प्रॉपर्टी नंबर सिक्स की बात करते हैं, ये भी बहुत आसान प्रॉपर्टी है। पहली बात, सोचने की शुरुआत हमेशा प्रॉपर्टी नंबर वन से होगी, एडजॉइंट के साथ दिख कौन रहा है बेटा लोग, ए बी, तो कहां से शुरू करोगे आप, ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी,
मैंने सबसे पहले क्या किया बेटा, दोनों साइड ए बी का मल्टीप्लाई किया, इधर भी हो गया ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मुझे कोई बताएगा बेटा ये कितना होगा, बताइए लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है, एक मैट्रिक्स इंटू उसका एडजॉइंट कितना होता है, वो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इंटू आई, वो मैट्रिक्स कौन है, ए बी है सर, ए बी का डिटरमिनेंट इंटू आई, डिटरमिनेंट मल्टीप्लीकेशन पर ब्रेक हो जाता है, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू आई। मैं राइट हैंड साइड की बात करता हूं बेटा, ध्यान समझिएगा, राइट हैंड साइड है आपका ए बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। सर सिर्फ इसको देखिए ध्यान से, हाँ जी बेटा बोलो सर, किसी की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, ए इंटू उनको छोड़ दो बेटा, इग्नोर करो सर। कितने कितने देर पहले बच्चे ने मैसेज किया है सर, अभी सर यहाँ पे मैसेज आया है सर क्लास में, क्लास में ये सर अभी मैसेज आया। मैं पहले भी बोल चुका ना कि मतलब बीच क्लास में इन लोगों को इग्नोर कर देंगे हम लोग, मतलब नहीं है। ये बच्चा 7:28 पे बोल रहा है आयुष कि सर क्लास ज्वाइन नहीं हो रहे, खेमराज भी 7:28 पे बोल रहा है, 7:37 पे नहीं हो, बेटा इग्नोर करो इनको, छोड़ दो। अगर ये मैसेज काश 7:30 से पहले आया रहता तो फिर गलती हमारी थी, है ना, हम सबकी गलती थी कि हमने ध्यान नहीं दिया, अब ये हमारी गलती थोड़ी है बेटा, इधर आ जाइए। हाँ तो बेटा ये बताओ कि अगर मैं इनको साथ में देख रहा हूं तो ये क्या लिख सकता हूं इनके जगह पे, बी इंटू ए जॉइंट ऑफ बी क्या लिख सकता हूं बेटा, लोग डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू आई, इंटू आई डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू आई इंटू में जॉइंट ऑफ ए। अच्छा अब मुझे बताओ बेटा कि ये तो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट इज नंबर, नंबर को सर कहीं भी फेंको किधर भी लेके जाओ क्या फर्क पड़ता है, मैट्रिक्स को प्रॉब्लम है कि भैया हम नहीं जाएंगे वहां, हम नहीं जाएंगे वहां, हम कम्यूट नहीं करते, डिटरमिनेंट नहीं बोलता है, हम कम्यूट नहीं करते, वो सीधा सीधा समझो कि वो एक एकदम आवारा हवासा इंसान है कि जहां मर्जी बस घुमा दो उसको। तो मैंने क्या किया बेटा, डिटरमिनेंट बी को इधर लिख लिया, फिर ए इंटू आई, अच्छा आई का मल्टीप्लाई किसी मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स के साथ, उसे मैट्रिक्स दे देगा, तब की बार मैं ऐसा लिख देता हूं बेटा लोग, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, आई तो गायब ही हो गया, आई हमेशा गायब नहीं होता है लेकिन आई का वैल्यू रेयर, मतलब कभी कभी ऐसा होता है जो धोखा देगा आपको बेचारा, नहीं तो आई बहुत सीधा सीधा इंसान है। अब ये बताओ बेटा ये कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट इन ऑफ ए इनटू आई, परफेक्ट, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट बी इनटू डिटरमिनेंट ऑफ आई इनटू आई। थोड़ा और सुंदर लिखना है तो ऐसा लिख दीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट बी इनटू आई, क्या ही फर्क पड़ता है, नंबर ही तो है, 2 इनटू 3 लिखो, 3 इनटू 2 लिखो, आंसर तो 6 ही आने वाला है ना जी। हाँ जी सर, तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड भी यही आ रहा है, राइट हैंड साइड भी यही आ रहा है, इसका मतलब समझे दया क्या कि ये पार्टी और ये पार्टी, ये पार्टी और ये पार्टी दोनों ही सेम, जब ये सेम है तो सर ये तो सेम, बात समझ में आई आगे सर, यस सर। तो सीधा सीधा बात है सर, एडजॉइंट बिल्कुल ट्रांसपोज की जैसा बिहेव करता है कि हम ट्रांसपोज में रिवर्सल लॉ अप्लाई कर रहे थे, यहां पे भी रिवर्सल लॉ अप्लाई होता है कि जो लास्ट में है उल्टा उल्टा, सबसे पहले एडजॉइंट किसको मिलेगा, बी को, फिर किसको मिलेगा, ए को, उल्टा ही देना शुरू करते हैं, ट्रांसपोज भी उल्टा देना शुरू करते हैं, एडजॉइंट भी उल्टा देना शुरू करते हैं, क्या फर्क पड़ता है सर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलिए जी प्रॉपर्टी नंबर 7 आपका होमवर्क रहेगा बेटा, लोग क्या बात कर रहे सर, होमवर्क, हां जी होमवर्क, क्यों अभी तो कराया था बेटा, adjoint of a transpose is equal to adjoint a का transpose, अब की बार transpose हटा के मैंने कोई number लगा दिया तो क्या हो गया, कौन सा पाप कर दिया मैंने, try करो खुद से solve करो, ठीक है सर कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। आते हैं question number properties number 8 पे, याद रखना बेटा J जब भी सवाल पूछेगा 3-4 property को एक ही साथ apply कराता है, maximum time एक साथ apply करेगा, मैं mark करके दे देता हूँ कौन कौन सा mark, तो मैं conclusion में कर दूंगा, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 5 कौन सा था, नहीं 5 छोड़, प्रॉपर्टी नंबर 2, 3, 4 और प्रॉपर्टी नंबर 8, ये 4 एक साथ घूम फिर के आते ही हैं,
एक साथ घूम फिर के आ जाएंगे आपको पता चलेगा सर सवाल एक था हम चार प्रॉपर्टी लगा के बैठे यहाँ तो ठीक है ना क्या दिक्कत है इंसान एक को खाना भी तो चार टाइप का खाते हो आप। चलिए जी इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा लोग इसको समझाने के लिए मैं आपको एक 3x3 का मैट्रिक्स लूंगा फिर समझाऊंगा समझिएगा। सबसे पहले एक मैट्रिक्स ए का फोटो बनाते हैं ये बेटा लोग A11 A12 A13 ध्यान से समझिएगा केयरफुल रहना यहाँ पे A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब बेटा आंसर आप लोग के एंड से आना चाहिए कि इसका के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद शक्ल कैसा बनेगा। चलिए बताइए मैंने सवाल ये पूछा बेटा आप लोगों से कि मैं ए में मैट्रिक्स ए में के का मल्टीप्लाई करना चाहता हूं बताइए क्या बनेगा A11 K A12 K A13 मतलब आप लोग ये बोलना चाहते हैं सर के का सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो। यस सर अगर ऐसा सोच रहे हैं बेटा तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप जवाब भी यही देना था बस मैं चेक करना चाहता था कि आप क्या एक रो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो कि सारे के साथ कर रहे हो मैट्रिक्स में सबके साथ करना है। सो K A11 K A12 K A13 K A21 दो तीन चीजें और पूछनी है आप लोगों से K A22 K A23 K A31 K A32 K A33 वेरी गुड बेटा लोग क्या बात है। अब सवाल नंबर दूसरा मुझे K11 का कोफैक्टर बताओ K A22 into K A23 कोफैक्टर ऑफ बाहर वैसे माइनस वन होगा पर प्लस हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ A11 कोई बता देगा बेटा मुझे K A22 into K A33 minus K A32 into K A21 co-factor of A11 A22 हो गया ना co-factor of A11 है क्या बेटा मैं इसको C11 लिख सकता हूँ। हाँ तो सर आप आप क्या लिख सकते हो सारे लोग लिखते हैं ऐसा तो आप क्या लिख सकते हो तो आप भी लिखो। दूसरा सवाल थर्ड सवाल सॉरी को फैक्टर ऑफ अब बताओ मुझे को फैक्टर ऑफ KA11 क्या आ रहा है कुछ कॉमन दिख रहा है बेटा लोग आपको इसमें से दिख रहा है क्या बच रहा है KA22 KA33 अरे K नहीं रे सॉरी A33 K स्क्वायर तो बाहर आ गया माइनस में A23 A32 क्या बेटा लोग मैं इसको C11 से रिप्लेस कर दूंगा तो कोई मैंने पाप कर दिया। नो सर वाला C11 है सर तो हमने ये देखा कि सर अगर A आपका मैट्रिक्स ये है आपने के का मल्टीप्लाई किया तो मैट्रिक्स बना ये और इसके को फैक्टर में के स्क्वायर आ रहा है सेम इसका को फैक्टर कैसा बनेगा बेटा लोग के स्क्वायर C12 इसका को फैक्टर कैसे बनता के स्क्वायर C13। अच्छा बेटा लोग मुझे ये बताओ कि अगर ए ऐसा है तो इसका एडजॉइंट कैसा बनता देखते हैं कौन बच्चा बता पाता एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा बेटा लोग हिंट दे रहा हूं कॉलम वाइज बोलो ट्रांस इंटरचेंज होएगी रो और कॉलम C11 C12 C13 कॉलम वाइज चलता है ना हम लोग को फैक्टर निकाल के ट्रांसपोज कर देते हैं C21 C22 C22 C23 C31 C32 C33 ऐसा हो गया जी। हाँ जी सर ऐसा हो गया तो फिर देखो तो बेटा एडजॉइंट ऑफ KA1 बताओ KC11
ना जी ना जी ना जी ना जी निशांत फिर से दिमाग लगाओ बेटू, आप एडजॉइंट निकालना चाहते हो ना, तो इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर कितना है, के स्क्वायर सी वन वन, यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर सी वन वन के स्क्वायर वेरी गुड। अब बेटा सारे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में हम कॉमन निकालते तो सब में से कॉमन आएगा तो ही निकालेंगे, इन सारे एलिमेंट्स में बेटा कुछ कॉमन आ रहा है, वेरी गुड, सही एकदम ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सही है बेटा आप लोगों का। सो आप मुझे बताओ कि जब आपने के स्क्वायर बाहर निकाला तो आपको एक मैट्रिक्स बचा होगा कुछ, यस सर, वो मैट्रिक्स क्या बचा, ए बचेगा, ए नहीं, के स्क्वायर बना दो, एडजॉइंट ऑफ ए, के स्क्वायर बना दो, एडजॉइंट ऑफ ए, वेरी गुड, ये मिला सर हमको। अब मैं ना एक आपको और ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं कि सर अगर मैं 3x3 का मैट्रिक्स ले रहा हूं तो मेरा के स्क्वायर निकल के आ रहा है, समझिए ध्यान से, अगर मैं 3x3 का मैट्रिक्स लिया बेटा, अगर 3x3 का सुन लो ध्यान से कि जितने मैट्रिक्स होता है कोफैक्टर उतने ऑर्डर में से एक कम ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनता है, जैसा कि ये 3x3 का मैट्रिक्स था तो जो इसका कोफैक्टर बनेगा दो ऑर्डर के डिटरमिनेंट का कोफैक्टर बनता है, क्योंकि ये दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट था तो ही तो बेटा के स्क्वायर बना, अगर ये तीन ऑर्डर का डिटरमिनेंट होता, मान लो आप इसको सॉल्व करते तो इसको पकड़ते इसको करते तो यहां से के स्क्वायर देता और यहां से के क्यूब होता सर, बात समझ रहे हो, यस सर, यस सर, एक बार वापस समझ लो, अब मान लो इसी को आप मल्टीप्लाई करते के ए वन टू मल्टीप्लाई करते किसके साथ, इनके साथ, तो ये लोग मल्टीप्लाई होके आपस में के स्क्वायर दे देते और ये बेचारा है के भी मल्टीप्लाई के क्यूब होता, बात समझ में आ रही है, हाँ सर, यस सर, यस सर, के स्क्वायर ना क्योंकि 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, अगर मैं 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेता तो बेटा कौन कॉमन आता, के क्यूब कॉमन आता सर, अगर मैं 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेता तो सर 4 कॉमन आ जाता, तो अगर बेटा मैं एन ऑर्डर का मैट्रिक्स लूं तो कितना कॉमन आएगा, कॉमन आ जाएगा सर, तो मैं रिजल्ट देखता हूं, एडजॉइंट ऑफ के इज इक्वल टू के इन माइनस वन एडजॉइंट ऑफ ए, बात समझ में आ गई, आ गई सर, यस सर, बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गई सर, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। सो तैयार हैं आप लोग जेई के 2 सवाल को करने के लिए, ये सवाल पे मैं आ रहा हूं, पहले इन 2 सवाल को निपटाते हैं फिर हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। सवाल को पढ़िए, पढ़ने के लिए आपको समय मिलता है 15 सेकंड, पढ़ लीजिए पहले ध्यान से, ठीक से पढ़ लीजिएगा, दिल से पढ़ लीजिएगा, मैं जो पूछूंगा आपको इसमें से बता दें, हाँ जी बेटा कोई हैंड रेज किया बताओ, डन बेटू लोग, पढ़ के हो गया बेटा, कोई बच्चा कमेंट में कर रहा है सर तनिष्का की क्लास, अरे बेटा छोड़ो, जिनको पढ़ना होता है ना वो बहुत सीरियसली पहले आ जाते हैं, पढ़ने वाले के पीछे बेटा भागना नहीं पड़ता है, पढ़ने वाला खुद पीछे भागता है, सर हमको पढ़ना है, सर हमको पढ़ना है, नहीं पढ़ने वाले के पीछे हम थोड़ी भागेंगे यार, बच्चा एक दिन खुद समझ जाएगा सर हमारे लिए कुछ किया जा रहा था हमने कुछ किया नहीं। हैरी बेटा आप मुझे बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर बताओ, एम, परफेक्ट, अगर सही से पढ़ोगे तो बेटा जवाब ऐसे दोगे आप, ऑर्डर एम है। अब डिटरमिनेंट का वैल्यू बताओ हैरी, थोड़ा इंग्लिश का पंगा है सवाल में इसलिए मैंने बोला बेटा पढ़ो, एम माइनस एन, राइट आंसर,
बेटा सवाल सीधा सीधा बोल रहा है कि लेट द डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर एम बी एम माइनस एन, इनका डिटरमिनेंट एम माइनस एन है। तो ये तो सर क्लियर हो गया और यही गेम था बेटा, सच बता रहा हूं पूरे सवाल में ये गेम है कि आप डिटरमिनेंट क्या समझ लो आप ऑर्डर। मैं भी जब पहला बार इस सवाल को समझाता रहा तो मेरे को ये ऑर्डर दिख गया था कि एम माइनस एन, क्योंकि इतना छोटा ये एम लिखा था मेरे को चमका ही नहीं, फिर मैं ध्यान से पढ़ा, मैं बोला अच्छा ऑर्डर एम है। तो जब मैं भी इसको पढ़ने में गलती कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, चांसेस हैं कर सकते हैं और कुछ नहीं। अब बेटा सीधा सीधा बोल रहा है कि ये इक्वेशन को एम और एन सेटिस्फाई करता है, तो एम और एन सेटिस्फाई कर रहा है तो इस एम और एन का वैल्यू निकालने के लिए बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब फिर से सर वही नाइन्थ का बात, लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सर निकालो एम एन का वैल्यू, बहुत बड़ी बात थोड़ी है, टाइम पास कराने का निंजा टेक्निक और कुछ नहीं। यही चाहता है कि आप मेरे साथ बैठ के टाइम पास करो, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप मेरे आए हो कि मेरे पेपर में आप बैठ के सवाल सॉल्व करो, वो चाहता ही नहीं है। क्योंकि अगर सारे बच्चे इंटेलिजेंट निकलने लग गए और जेई के सवाल को करने लग गए फिर जेई का दुनिया में इज्जत ही क्या रहेगा भाई। जो गूगल पे आता है वर्ल्ड टफेस्ट एग्जाम, वर्ल्ड टफेस्ट एग्जाम आईआईटी आईआईटी आईआईटी, उसके बाद इज्जत ही नहीं रहेगा। जान मुझको बोलता तो करो टाइम पास। इसको सॉल्व करेंगे बेटा एम और एन का वैल्यू, मैं बता देता हूं एम और एन का वैल्यू कितना आ रहा था। एम का वैल्यू आता है 5 और एन का वैल्यू आता है 2। तो ओवरऑल हमारे पास डेटा क्या निकला, हमारे पास डेटा निकला है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 5 क्रॉस 5 स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। तो जितना एम है एम क्रॉस एम का, ये नहीं लिखा, देखो ये कितना चलाक है, ये ऑर्डर भी एम क्रॉस एम नहीं लिखा, सिर्फ एम लिख दिया क्योंकि उसको मालूम है ना कि समझदार बच्चा समझ जाएगा कि m है तो m क्रॉस m ही अपने आप होगा, स्क्वायर में बोल दिया हूं तो। फिर डिटरमिनेंट a का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा लोग, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आते हैं सवाल पे, सवाल मेरे से पूछा जा रहा है कुछ ये बताना है, मतलब सर ए प्लस बी प्लस सी मतलब सम पूछ रहा है बीसी का, तो इधर भी कुछ बेस में 3, 5, 6 क्रिएट कर देंगे, पावर इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सवाल है डिटरमिनेंट ऑफ एन, एन का वैल्यू है 2 इनटू एडजॉइंट ऑफ एम ए मतलब 5 इज इक्वल टू 3 पावर a 5 पावर b 6 पावर c, ये दिया है। अच्छा याद रखना बेटा मैक्सिमम टाइम ना आप डिटरमिनेंट करो डेट लिखता है, ऐसा नहीं लिखता है, मैक्सिमम टाइम डीटी लिखेगा आपको ना, तो आप समझ ना वो डिटरमिनेंट है। ठीक है जी, अब बेसिक से सोचेंगे कि सर सबसे पहले डिटरमिनेंट के अंदर कांस्टेंट दिखा, बाहर निकालो फट से उसको, किसको बाहर निकालना पड़ेगा बेटा लो, 2 को। अब बताइए कि 2 बाहर आएगा तो क्या बाहर लेकर आएगा, 2 बाहर आते तो क्या लेकर आता है बेटा, मैट्रिक्स का ऑर्डर बाहर लेकर आता है। अब बताओ कि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 5 5 5 5 5। 10 बार एडजॉइंट निकालोगे तो भी उसके ऑर्डर पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये पहले लेक्चर से चिल्ला रहा हूं मैं कि एडजॉइंट से मत डरो, सीधा मैट्रिक्स को बोलो भाई तुम अपना ऑर्डर बताओ आप, तो बोले 5 को बस खुश रहो, 20 बार एडजॉइंट निकालोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो 5 ही रह जाएगा। तो ये बाहर आया 2 पावर 5 बाहर आया, बच क्या गया मार्केट में बेटा, एडजॉइंट ऑफ 5a is equal to 3 power a 5 power b 6 power c। अब ये तो बेटा प्रॉपर्टी दिख रहा है आप लोगों को, adjoint of a का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। नाउ दिस टाइम a इज रिप्लेस्ड बाय 5a, तो क्या दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं, 2 पावर 5 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ 5a पावर n माइनस 1, n मतलब ऑर्डर, ऑर्डर मतलब 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर सर, is equal to 3 power a 5 power b 6 power c। अब 2 power 5 into में बेटा ये लिखा है 5a का power 16, बताना है 5 बाहर आएगा तो कितने पावर के साथ बाहर आएगा, बताइए। यही आपको कुछ देर पहले बोला 18, था कि कुछ देर बाद आने वाला है 5 सर सर 18 आ रहा है,
बोला था ना बेटा कि अगर चोर किसी के घर में चोरी करने गया तो उसका सामान तो लाया ही, तो उसके पास जो था वो थोड़ी गायब हो जाएगा, वो तो रहेगा ही ना। तो पांच ने ए का तो पावर लाया ही, ऑर्डर तो लाया ही, अब इसका पावर भी तो 16 था बेटा, तो उसको कहां घुमा दिया, अब उधर बच जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर 16 इज इक्वल टू 3 पावर a 5 पावर b 6 पावर c। कोई दिक्कत नहीं सर, इधर आ गया बेटा 2 पावर 5 5 पावर 80, डिटरमिनेंट दिया है 3 3 पावर 16 इज इक्वल टू। चलिए जोरा नाइन्थ का आप लोगों का कॉन्सेप्ट चेक किया जाए कि मुझे बेस को इक्वेट करना, बेस को बराबर करना है ताकि पावर इक्वेट कर पाए। कैसे 6 क्रिएट करेंगे आप लोग? अब ये तो बेटा मेरे को नहीं बताना चाहिए ना, मैं बता रहा हूं मतलब बहुत गलती, बड़ा गलती काम कर रहा हूं, सच बता रहा हूं। जेई स्पिरेंट को ये चीज नहीं बताना चाहिए, वो बच्चा खुद करेगा। जेई स्पिरेंट को कितना बताना चाहिए? बस ये यहां तक छोड़ दो, तीन स्टेप बता के छोड़ दो, बच्चा खुद करेगा। फिर भी मैं पूरा करा रहा हूं, बताइए। हैरी तुम बताओ, निशान तुम भी बताओ बेटा कि मुझे 3 5 तो मिल गए हैं, 6 क्रिएट करना है, कैसे किया जाएगा? बेस में 6 भी आना चाहिए तो ही बेस सेम होगा तो पावर बराबर होगा, पावर इक्वेट कर पाएंगे। सॉरी, कैसे किया जाए बेटा लोग? नाउ दिस इज वेरी बैड कि मैं जेई के बच्चों से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आंसर आप दोगे, ठीक है बेटा। 2 पावर 5 3 पावर 5 5 पावर 80 और 3 पावर 11, मैंने 3 को ब्रेक कर दिया, 3 पावर 16 को मैं 3 पावर 5 और 3 पावर 11। सर 5 में ही क्यों ब्रेक किया? आगे देखो क्यों ब्रेक किया, क्योंकि बेटा जब पावर भी सेम होते हैं ना तो बेस आपस में मल्टीप्लाई करने में देर मत करो, कर दो। यू कैन राइट एक्स पावर एम इंटू वाई पावर एम इज इक्वल टू एक्स वाई पावर एम, जैसे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को आप लिख देते हो ए बी का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं 2 × 3 का पावर 5 इंटू में 5 पावर 80 इंटू में 3 पावर 11, और ये किसकी इक्वल है? 3a 5b 6c, 3a 5b 6c, ये हो गया बेटा 6 पावर 5 5 पावर 80 3 पावर 11 इज इक्वल टू 3 पावर a 5 पावर b 6 पावर c। ए का वैल्यू बताओ, ए प्लस बी प्लस सी तीनों बताओ, ए का वैल्यू कितना है बेटा लोग? 3 के पावर 11 5 का 80 और 6 पावर सी सी का कितना है? 5 5। आंसर इज 96। बहुत बुरी बात बेटा, आसान सवालों का जवाब आप नहीं दे पाते हो, और अगर आप यहां पे नहीं कर पा रहे कुछ ना, इस जगह पे आकर के इस जगह पे अगर आपके रुक गए ना बेटा, किसी के सामने बोल भी दोगे ना, क्लास 9th के बच्चों के सामने बोलेगा यार मेरे को तुम कुछ पैसा दे दिए रहते, मैं ही तुम्हारा एग्जाम लेके आ गया रहता, क्यों ही गए तुम। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, अच्छा सवाल है। सारे बैच वाले रो रहे हैं, हो नहीं रहे सर, हो नहीं रहे, तो मैं आप लोगों के बैच में करा दे रहा हूं भाई, अपने पास टाइम है, 6-7 मिनट में कर देंगे इसको। देखिए जी बेटा लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 दिया है, मैट्रिक्स ये दिया है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, कितना दिया है सर? 1 2 3 1 2 3, α 3 1 और 1 1 2, इसका वैल्यू कितना दिया है? इसका वैल्यू दिया है 2 दिया है, तो ये हो गया 1 × 6 − 1 − 2 2 α − 1 + 3 α − 3 = 2 5 − 4 α + 2 + 3 α − 9 = 2, सो 4 और 3 − α − 2 = 2 7 − 9 − 2। हाँ जी, सो अल्फा का वैल्यू बेटा आ रहा है -4, सो अल्फा आ गया -4, कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ जी सर, अल्फा हो गया बेटा -4। नाउ माय क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 3n + α, सो नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ n? अगेन बेस में दिया है 32, तो हम ट्राई करेंगे इधर 32 आ जाए,
कि डायरेक्टली पावर हम इक्वेट कर पाए. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस वन. अब मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि बच्चे गलती कहां कहां कर रहे थे. जो दोनों बैचेस में ये सवाल होमवर्क दे दिया था कहां कहां गलती कर रहे थे, अब आपको बता रहा हूं. होमवर्क तो आपको भी दे देना चाहिए था, लेकिन जब मैं समझ गया कि उन लोग नहीं कर पा रहे, नहीं आप लोग तो कर देते, लेकिन फिर से ना इंसाफी वाली बात हो जाती सर कि आपने कराया ही नहीं, तो इनफैक्ट एक बैच में तो करा दो. तो हो गया बेटा डिटरमिनेंट ऑफ टू. इसमें तो डेट नहीं लिखा है, इसमें तो तुरंत लिखा है टू एडजॉइंट, फिर लिखा है टू इंटू एडजॉइंट ऑफ टू है. वाओ, पता नहीं टू से क्या प्यार है कि एडजॉइंट जब देखता है टू लगा देता है. टू इंटू एडजॉइंट ऑफ टू है ना, हाँ टू है, एडजॉइंट ऑफ टू है. इनका डिटरमिनेंट दिया है 32 पावर एन. ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं. सोचते हैं सर हमारे पास फॉर्मूला किस किस बात की. सबसे पहला दिमाग में है सर डिटरमिनेंट से तुरंत टू दिख रहा है, बाहर निकाल लो इसको. बोलो बेटा तुम बाहर आओ. तो बेटा अगर ये बाहर आएगा तो ये पूछेगा ना कि मेरे साथ जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कौन था. तो मैट्रिक्स कौन है, ए मैट्रिक्स है ना. इस एडजॉइंट पे ध्यान ही मत दो, ये तो फालतू की चीज होते हैं. ये आते हैं बस वो काम बढ़ाने के लिए, बाकी ऑर्डर वेडर इनका चेंज करने का कोई मकसद नहीं है. ऑर्डर चेंज करता है ट्रांसपोज, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स का नहीं कर पाता है. तो ए का ऑर्डर कितना बेटा, 3/3. तो इधर से 2/3 तो बाहर निकल गया सर, बच जाएगा मार्केट में एडजॉइंट ऑफ, ध्यान से समझिएगा, एडजॉइंट ऑफ 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a. वी डोंट हैव अ फॉर्मूला ऑफ, देखो ऊपर में और नीचे में दोनों में फर्क कहां पे है. ये आ रहा है बेटा एडजॉइंट कॉन्स्टेंट एडजॉइंट मैट्रिक्स. ऊपर में देखिए एडजॉइंट एडजॉइंट और फिर मैट्रिक्स आ रहा था, बीच में कोई कॉन्स्टेंट का रोल नहीं है. तब मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला है सर हमारे पास. हमारे पास इस शक्ल का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ना कि एडजॉइंट ऑफ के इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. इसका फॉर्मूला कहां है, मैंने कहां सिखाया. ये के अगर पंगा कर दिया ना बेटा, अपने से होशियारी मत करना प्लीज, करोगे तो गलती हो जाओगे, समझ के भी गलती कर दोगे. सो अब मेरा टारगेट है कि वो तो मैं लगा नहीं सकता सर, ये फॉर्मूला मैं लगाने से रहा, ये फॉर्मूला में लगाने से रहा सर, ये वाला नहीं लग पाएगा. क्यों, क्योंकि बीच में कॉन्स्टेंट गड़बड़ कर रहा है सर जी. ठीक है भैया गड़बड़ कर रहे हैं, अब बताओ क्या किया जाए. सुनो ध्यान से, मैं सिर्फ इसके बारे में सोचूंगा एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है. तो एडजॉइंट ऑफ ए बेटा अभी सिखाया था आपको, एडजॉइंट ऑफ के वाला फॉर्मूला प्रॉपर्टी नंबर 8, के बाहर आता है पावर में -1 के साथ बाहर आता है. तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2/3 एडजॉइंट, 2 तो बेचारा पड़ा है. एडजॉइंट ऑफ के का फॉर्मूला क्या होता है बेटा लोग, k पावर n माइनस वन, मतलब 3-1, 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. बढ़िया सर जी, अब बताओ, रुक तो जाओ, 2/3 एडजॉइंट ऑफ 8 एडजॉइंट ऑफ ए. अब क्या करोगे सर, वापस से एडजॉइंट ऑफ के ए. मैट्रिक्स ही तो है, मैट्रिक्स ही तो है बेटा, क्यों दिमाग लगा रहे हो, मैट्रिक्स ही तो है. सो एडजॉइंट ऑफ के ए कितना होता है, के पावर एन माइनस वन, 8/3 आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ A. A मतलब मैट्रिक्स जो था, और यहाँ पे मैट्रिक्स का रोल ये पूरा कर रहा था ना, एडजॉइंट ऑफ K into A, ये पूरा ये कर रहा था. So adjoint of A. दो बार करेंगे इस सवाल को घर पे जाके तो चमकेगा, सही बता रहा हूँ. और ये सारे 32 पावर n के इक्वल है, सारे 32, वो सवाल लेंदी नहीं है, थोड़ा भी सवाल लेंदी नहीं है. ऐसा कोई नहीं बेटा लगा कि सवाल डिफिकल्ट तब बोला जाता है ना जब एक ही चैप्टर में 2-3 चैप्टर मर्ज हो जाए. एडवांस ऐसा करता है, 2-3 चैप्टर उठाएगा, एक सवाल बनाएगा, बोले बेटा अब तुम करो. अब फिर से सर वही बात की, अब की बार फिर डिटरमिनेंट के आगे कॉन्स्टेंट दिखा, निकालो बाहर बेटा तुम बाहर चलो. तो 8 स्क्वायर तो है, अब ये 8 स्क्वायर बाहर तो आएगा, कितने पावर के साथ आएगा बेटा, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा सर. तो फाइनल आएगा बेटा 2/3, 64/3 लिख रहा हूं. तो बोलिए नहीं समझे सर, समझ गए सर.
और पावर में थ्री के साथ भी तो बाहर आएगा सर। हाँ जी बिल्कुल आएगा। अब मार्केट में बच गया एडजॉइंट ऑफ ए, और इधर क्या बच रहा है 32 पावर एन। इसका तो सर डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला है। कितना है उसका डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट और एन माइनस वन का होल स्क्वायर। सो ये हो गया 2 पावर 3। अच्छा 64 जो होता है बेटा आई थिंक 2 पावर 6 होता है ना, तो मैं 2 पावर 18 लिख दे रहा हूँ। ये 2 पावर 6 और पावर में 3, 2 पावर 18। और ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर। फॉर्मूला यही होता है ना, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस वन का स्क्वायर। डिटरमिनेंट ए कितना था भैया, देखो डिटरमिनेंट ए तो दिया है आपको कहां, इधर 2, तो 2 पावर 3 माइनस वन का होल स्क्वायर, 2 पावर 2 का स्क्वायर, 2 पावर 4 आ रहा है। समझ में आया? अरे आ गया सर, खूबसूरत है एकदम। तो 2 पावर कितना आ रहा है बेटा लोग, 3 माइनस 1 ना 4 इज इक्वल टू 32 पावर एन। सो ये ओवरऑल 2 का पावर कितना आ रहा है बेटा लोग, 2 का पावर 25। हाँ भैया आ रहा है 2 का पावर 25 इज इक्वल टू 32 पावर एन। अब नाउ क्वेश्चन इज की सर बेस तो इक्वेट किया नहीं आपने, बेस इक्वेट करो, आइडिया बताओ बेस कैसे इक्वेट किया जाए, जल्दी बताओ। 2.25 है, आप उसको 32 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पहले 32 बना दो। 32 2 का कितना पावर होता है बेटा लोग, 5। तो वी कैन राइट 2 पावर 5 का पावर 5 इज इक्वल टू 32 पावर n। बात समझ में आई, आ गई सर? यस सर। 2 पावर 5 इज 32, 30 पावर 32 पावर 5 इज इक्वल टू 32 पावर n। सो n का वैल्यू बताओ 5। n का वैल्यू 5 आपसे पूछ रहा है, 30 नहीं क्या पूछ रहा है वो तो देख ले क्या पूछ रहा है। खूबसूरत सवाल था बहुत ज्यादा सर। जब आप किसी चीज को समझ जाते हो ना और करते हो, कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे जाता है बेटा। बीटू बैच में एक बच्चा नाम है केशव, मैंने बोला बेटा असाइनमेंट कैसा है, तो जवाब दे रहा है सर असाइनमेंट ऐसा है कि लग रहा है मेरे को मैथ्स आता है। वो जो असाइनमेंट दिया था ना ग्राफ वाला, मुझे मालूम था कि असाइनमेंट बहुत स्टैंडर्ड असाइनमेंट वाला। तो ये रहा बेटा कंक्लूजन में, ये प्रॉपर्टी है दीवार पर रखकर चिपका देना है, जैसे अपने फोटो को सेफ रखते हैं इसको भी, और किसी और की फोटो भी आप लगा के रखते रहोगे ना वॉलपेपर में, इसको वैसे रखना। होमवर्क एक सवाल बस आपके लिए, जे एडवांस कर लेना है, ठीक है जी? यस सर। अब बोलिए बेटा किसी को कुछ पूछना रहेगा तो, दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड द नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस से शुरू करेंगे, एक लेक्चर और।